हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल प्रीति किचन। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ महाराष्ट्रियन आमटी, तुरीच्या दाण्याची आमटी। ये जो तुअर के अरहल के दाने होते हैं उसकी ये सब्जी होती है जिसको बोलते हैं आमटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक नज़र इस पर डालिए। देखिए, ये जो महाराष्ट्रियन तुरीच्या दाण्याची यानी अरहल के दाने की जो आमटी होती है ये इस तरह से दिखती है, और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस है। इन सर्दियों के दिनों में आपको ये जो आमटी है इसको खाकर एक तो ताकत भी आएगी और आपको बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनको बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक करिए, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ये देखिए, इतनी ये डिलीशियस आमटी बनी है कि बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट में। तो ये है अरहल के जो फली होती है उसके हरे दाने। उसके लिए हमें लगेगा हरा प्याज, 3-4 मिर्च, हरी मिर्च। सबसे पहले कढ़ाई में बड़ा चम्मच तेल डालिए, थोड़ा सा ही तेल डालिए। उसके बाद जो है ये 3-4 मिर्च हम ऐसे आधे कट करके इसको फ्राई करना है। ये 3-4 मिर्च हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर मिर्च बहुत तीखी है तो 2 ही मिर्च डालिए। अरहल के दाने जो है ये हरी वाली जो अरहल की फली आती है विंटर के सीजन में, तो इसमें से ये दाने निकाल कर आपको अच्छे से धोकर साफ कर यूज़ करने हैं। अब मिर्च जो फ्राई हो गई है उसको मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैं ये दाने अच्छे से फ्राई करूँगी। ये तुअर के कच्चे दाने हैं, तुअर की फली के दाने हैं। इसको अच्छे से फ्राई करना है हमें इस तरह से। देखिए, आप सब देख सकते हैं अच्छे से ये फ्राई होने के बाद आपको दिखेगा इसकी जो कवर है हल्की सी कट जाती है, मतलब कट आ जाती है। तो 1-2 मिनट तक आपको अच्छे से इसको पकाना है, इस तरह से फ्राई कर लेना है इसी तेल में। ये अब रेडी है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़े सा 1.5 चम्मच ये दाने लेकर उसके साथ ये जो फ्राई की हुई मिर्च है, हरी मिर्च, इसको हम सबसे पहले फाइनली ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत गर्म है इसलिए इसकी जो वेपर है, भाप है, ये आ रही है ऊपर। इस तरह से इसको हमने बारीक कर लिया। इसके बाद हम बाकी दाने भी इसके साथ बारीक कर लेंगे। मिर्च सबसे पहले थोड़े से दाने के साथ इसलिए बारीक करनी होती है क्योंकि अगर मिर्च की बड़ी बड़ी मतलब वो बड़ी बड़ी साइज़ में रहेगी और मुंह में आ गई तो तीखा ज़्यादा लगेगा। इसलिए मिर्च को सबसे पहले बारीक कर लीजिए। अब ये जो दाने हमने डाले हैं बाकी के, इसके साथ थोड़ा सा पानी मिलाया मैंने। थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको बहुत ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा आधा ग्राइंड करना है। ये देखिए, और ये जब दाने हम फ्राई करते हैं तो इसका दाग ऐसे लग जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो उसी में हमने ये जो 3-4 उसी में मैंने तेल डाला है, इसको गर्म होने देना है, बहुत अच्छे से गर्म होने देना है। 1 बड़ा चम्मच तेल डालने के बाद ये तेल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, ये मैंने तुअर के दानों की मतलब ग्राइंड कर लिया है और बहुत ज़्यादा नहीं घुमाया इसको। इसमें आधे दाने मतलब आपको साबुत दाने मिलेंगे तुअर के दाल के, और आधे बारीक हो चुके होंगे। इस तरह से हमें इसको पानी डालकर फिर से पानी के साथ मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ, जब तक कि तेल गर्म हो जाता है। अब तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई डालेंगे, थोड़ी सी जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें हरा प्याज अच्छे से डालेंगे। मैंने 3-4 हरा प्याज की डंठ ले लिए थे, उसको अच्छे से धोकर इसको बारीक काट लेना है। इसके साथ अब डालने के बाद हम इसको भी अच्छे से 1-2 मिनट पकने देंगे इसके साथ। तब तक ये जो ग्राइंड किया हुआ तुअर दाल का जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे जब तक कि ये पक जाता है।
इसको अच्छे से पकाने से इसकी टेस्ट तेल में घुल जाती है और इसी की वजह से आमटी में भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में और ये बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है जब ठंड के दिन आते हैं, जाड़े के दिन आते हैं, विंटर सीजन आता है और महाराष्ट्र में बहुत सी तुअर की जो तुअर की फली होती है वो निकल के आती है, तो उसके दाने निकाले जाते हैं, उसको बनाया जाता है। तो इसके साथ मैंने हल्दी मिलाई है आधा चम्मच और नमक मिला है स्वाद अनुसार। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, इसको भी बिल्कुल लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने ऑलरेडी हरी मिर्च की पेस्ट मिक्स कर ली है हमने और इसी की वजह से इसका ग्रीन कलर होता है। अगर आपको बिल्कुल हरे हरे ग्रीन कलर के दाने मिलते हैं तो उसकी जो आमटी बनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर की और फ्रेश लुक वाली बनेगी और टेस्ट भी बनेगी। तो डिपेंड करता है इसका जो कलर है, ये डिपेंड करता है कि दाने किस तरह से मिले, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मिले हैं या मीडियम वाले साइज़ के मिले हैं, इस तरह से मतलब डिपेंड करता है। लेकिन टेस्ट सभी की बहुत टेस्टी बनती है। ये जो नीचे बैठा हुआ है इसमें मैं और पानी डालूंगी, जितना मुझे ग्रेवी इसकी बनानी है उतना मैं पानी डाल सकती हूँ। जैसे अगर एक कटोरी दाने हैं तो एक कटोरी दाने के लिए मैं दो ग्लास पानी यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो गाढ़ी रखिए, अदरवाइज उसको हल्का सा पतला भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है कि जो रोटी के साथ खाई जा सके। इसके साथ रोटी भी खाई जाती है, भाकर भी खाई जाती है, मक्के की रोटी भी खाई जाती है, जो आप बनाना चाहिए आप बना सकते हैं, पराठों के साथ भी खाई जाती है या फिर इसको ऐसे ही सूप की तरह खाई जा सकती है। ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बन चुके हैं। ये इस तरह से अब आपको क्या करना है कि इस तरह से तीन से चार मिनट उबाल आने तक इसको ऐसे ही कलछे से घुमाते रहना है, कलछे से इसको ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि वो नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए, बस ये जो दाने होते हैं वो चिपक ना जाए नीचे। अब देखिए ये ऑलमोस्ट इसको उबाल आ चुका है और ये कुक हो चुकी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसमें मैं हरा धनिया, बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया इसमें डालूंगी। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ये आमटी बन चुकी है। अभी गैस हम ऑफ कर देंगे। देखिए कितनी टेस्टी डिलीशियस लग रही है, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की और बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट डन है। ये कोई भी बना सकता है, बस आपको दाने निकालने की थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, मतलब नीचे से उठाते हैं तो इस तरह से दिखनी चाहिए ताकि हम रोटी के साथ अच्छे से इसको खा सकें। अब जो है मैं हरा फ्रेश धनिया इसमें ऐड करूंगी और इसका भी एक अलग ही फ्लेवर रहता है। विंटर के सीज़न में धनिया बहुत ही फ्रेश मिलता है। धनिया भी ऐसा होना चाहिए जो गावरन हो, मतलब उसकी अलग धनिया जो निकलता है उसमें भी थोड़े डिफरेंट कलर, डिफरेंट टाइप के धनिया मिलते हैं। जो बहुत ही सुगंध वाला धनिया है वो आप यूज़ करिए। देखिए मैंने इसको बाउल में सर्व कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म अभी रेडी है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में इसी रेसिपी इसको बिल्कुल ट्राई करिए और साथ में मूली और हरा प्याज परोसना मत भूलिए और खाना मत भूलिए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है हरे प्याज के साथ, साथ में मूली भी खाएंगे, रोटी के साथ इसको खाएंगे या भाकरी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मुझे आपकी कमेंट्स बताइए, कमेंट्स में बताइए कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी महाराष्ट्रियन स्टाइल तुरीच्या दाण्याची आमटी। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अभी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बिल्कुल कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Keep watching. Thank you. Bye-bye.